मतलब वहाँ का स्टाफ भी इतना अच्छा है ना, मास्टर जो सर है वगैरह, मैं कॉल करूंगी तो मेरा सारा प्रॉब्लम घर पे, सोन पे की भी चीजों की तो घर पे भेज। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे VEER, बोले तो भी मेरे यार। मेरे साथ विनीता ओरडिया जी बैठे हुए हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में सोशल वर्क करते हैं। और आजकल आप जानते हैं कि भारत देश को कितने सोशल वर्क की सीरियसली जरूरत है, क्योंकि हर कोई अगर सिर्फ अपने बारे में सोचेगा तो दुनिया के बारे में कौन सोचेगा। तो हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो पूरी दुनिया के बारे में अपनी फैमिली की तरह सोचते हैं और अपनी फैमिली की तरह पूरी दुनिया को ट्रीट करते हैं। अब इनसे जब हम बात शुरू करने जा रहे हैं, तो मैम पहले तो कैसे हैं आप? एकदम फाइन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप बच्चे थे छोटे से और ढेर सारी मस्ती करते होंगे उस समय, तो तब आपको दूध वाली या दूध से बनी हुई कौन सी चीजें पसंद थी? हम पहले ना छोटे थे तो गांव में रहते थे, गांव में तो हम लोग प्रॉपर प्योर मिल्क ही पीते थे, प्योर मिल्क उससे बना हुआ घी। मैं बाहर से मंगाने लगा तो घी इतना फ्रेश होता था ना, एकदम ऐसे ऐसे प्योर घी खा रहे थे। जो शरीर को नुकसान कर सकती है, तो आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मोड़ आया या फिर आपने मिल्क वाली चीजों के साथ ही आप स्टेबल रहेगी? मुझे ये जानना है कि आप पहली बार कितने साल पहले मिल्क पैलेस की शॉप पे गए थे, क्यों गए थे और क्या हुआ था? मैं सूरत में शादी करके जब से आई थी 35 इयर्स में शुरू होता है जी, तो जब से हम लोग वहाँ पे बटार पे जाते थे कृष्णा कॉम्प्लेक्स, जस्ट उसके नियर बाय फर्स्ट शूट हुई, तब तो इतना डेवलपमेंट भी नहीं था सूरत का जी, पर था क्लीन सूरत जैसा आज कभी भी वैसा ही था, नो डाउट। लेकिन तब वो फर्स्ट शॉप थी, तब उनके जो वहाँ के जो उनके जब सन बैठते हैं उनके फादर थे उस समय, तब से वो शॉप है, तब से उनका वही मेंटेन है प्रोडक्ट का, वो भी वही, और आज भी कोई मैनेजमेंट उनका हर चीज के लिए सेम टू सेम, उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कोई भी चीज से। मेरे यहाँ पे आज दिन तक उनके वहाँ से पनीर घी दूध छाछ दही जब भी आता है उनके वहाँ से ही आता है, कोई दूसरी जगह से नाम कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं आज तो वहाँ का पनीर है ही नहीं है, मुझे पता चली जाता है। अच्छा उसे तो घर पे सेम वैसा बना तो बोले नहीं वैसा तो घर पे बनेगा ही नहीं। और मतलब वहाँ का स्टाफ भी इतना अच्छा है ना, मास्टर जो सर है वगैरह, मैं कॉल करूंगी तो मेरा सारा प्रॉब्लम घर पे, सोन पे की भी चीजों की तो घर पे भेज। अरे वाह, मतलब वो यही सोचते कि मैं इसमें कमाल हूं, वो सोचते रिलेशन नहीं, रिलेशन रियल में आज मेरे को 35 इयर्स हो गए, रिलेशन कभी भी बोले ये प्रोडक्ट थोड़ा सा खराब है आप भी भेजेंगे तो तुरंत आप अभी का भी मंगवा लेंगे आपको दूसरा भेज जाएगा, तब भी ऐसा नहीं कि नहीं उसे कॉम्प्रोमाइज किया है या नहीं। वाह, वैसे तो आपने इसमें जवाब दे दिया, फिर भी मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि 35 साल से आप एक ही दुकान में जा रहे हैं इस चीजों को लेने के लिए, अब आजकल के जमाने में क्या हो रहा है कि लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ शादी करके भी 35 साल नहीं रह सकते, वैसे में आपने किसी मिल्क वाली दुकान के साथ इतना ज्यादा रिलेशन संभाल के रखा, क्या रीजन है? मेन तो उनका प्रोडक्ट जी, जिस पर उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जी, और उनका रिलेशन। और मेरा ऐसा है कि मैं एक बार एक शॉप से रिलेशन था कि हमको कभी भी इमरजेंसी में कभी भी शॉप में काम मिले तो हमको एक ही जगह जाके अपन ला सकते, आप 10 जगह अलग 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 जाओगे तो आपको इमरजेंसी में आपको कौन काम आएगा? नहीं आएगा। मेरे को लॉकडाउन में भी आधी रात को पनीर चेतन को भेजा। वाओ, लॉकडाउन में भी सर्विस दिया? लॉकडाउन में भी सर्विस दिया, फुल सर्विस दिया, बोले मेरा यहाँ नहीं होगा तो मैं कभी भी आपको जैसा भी होगा मैं आपके यहाँ भेज दूंगा। वाओ, तो लॉकडाउन था तो ज्यादा पैसे लिए होंगे उन्होंने? सारा लिए। अच्छा, पैसे भी वही रखे जो प्राइस चल रहा था? पैसे भी वही, कभी कभी तो बाहर से डिलीवरी करके तो भाई पैसे आप आते कभी नहीं देते। अरे वाह, बोले आपको दूसरा प्रोडक्ट भी चाहिए तो मैं आपको घर पे सारा सर्विस करूंगा। वाह, तो ऐसे से आप मैनेज कर ही रखेंगे। करेक्ट करेक्ट, फिर आप नई जगह खोल जाएंगे। राइट राइट, तो आपको मैं जब तक समझ पा रहा हूँ आपको मिल्क पैलेस की प्रोडक्ट से प्यार है, वहाँ के लोगों ने जो सर्विस दिया जो आपको प्यार दिया उस चीज की रिस्पेक्ट है, तो इन चीजों से आप मिल्क पैलेस के साथ जुड़े हैं और जुड़े रहना चाहते हैं। आजकल के जमाने में क्या बहुत बच्चों को जंक फूड से बहुत ज्यादा वो हो गया है, हर जगह जंक फूड, चाहे छोटा सा बच्चा हो भी जंक फूड ज्यादा खाता है, उसमें विटामिन डी, विटामिन बी, बी12 बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई इन सब चीज़ों में,
लेकिन आप जब तक दूध से रिलेटेड पनीर भी खाएंगे तो भी आपको बहुत फायदा बेनिफिट है। उसका श्रीखंड खाएं, पनीर, दही, लस्सी, छाछ, तो बिल्कुल रहेंगे तो आपको आगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पनीर तो अपने शौक के लिए आपने अभी पिया होता था, लेकिन वो बॉडी पे कभी आपका इफेक्ट नहीं करेगा। हेल्दी रहने के लिए आपको मिल्क प्रोडक्ट ही सबसे ज्यादा आपको यूज करना चाहिए। और इसी बात पे जब मिल्क पैलेस को 30 साल पूरे हो रहे हैं तो ये मिल्क पैलेस की तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा जी, यू आर वेलकम।